सतगुर दी वाहिगुरू गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की मेहर हाँ कि जदों संगत च खड़े होइए कोई मोढ़ा मार के लंघदा ना उहदा एहसास हुंदा भी बाबे नानक दा ही पुत्त आ, ये कोई छोटा नहीं हैगा जां वड्डा नहीं हैगा, असीं कलाकार जरूर होवांगे। जे संगत जोगे गुरु सिखा के ओए सेटा को थले करो तो पता लगता भी असीं भी उत्थे ही हाँ, कलाकार भावें लख बन गया नानक पातशाह के दर दे आ के ओहदी जो जुत्ती भी ते किरपा साडे लई सारे दे बराबर ही है। मैं लंगर की सेवा करता सी, मैनूं एसीडिटी हुंदी कई बार तो एसीडिटी होने दे नाल चाह नाल सब तो वध हुंदी है। हाँ ठीक है, तो मैं लंगर साहब की चाह पीन लग्या सी गुरुद्वारा साहब, तो चाह पीने में लग्या एसीडिटी ज़्यादा ना हो जाए, पर मैं यकीन दसी साहिल मानी मेरी चाह दे नाल एसीडिटी अज ठीक हुई है। कि एक्चुअल च किहड़ी चीज़ तुसीं रब कोलों अक्सर मंगदे हो ते अज किहड़ी चीज़ मंगी है? मैं मेरी माता ने एक गल कहना होना मम्मी डैडी नूं कि मैं ना तुहानूं जींदे जी खवाना, तुसीं जो खाना ऐश करना जो तुहाडीआं लोड़ां ने मैनूं दस्सो सही, ठीक है। मैं मरियां ते फुल्लां दियां चादरां नहीं भी हाँ लोकां दे लोक विखावे लवो, जो तुसीं मैनूं छड्ड के जाओगे मैनूं दुख तां हुंदा अंदरों भी जाणगे छड्ड के किदां जाणगे, उदों चादरां नहीं पाउणीआं महंगीआं। जिहड़े माँ प्यो नूं चंगा नहीं समझते जां बिरध आश्रम च उन्हां दे रुलदे आ, ओह उन्हां दियां मावां बिरध आश्रम च रह के भी उन्हां सुखा मंगदियां, कुछ होर नहीं मंगदियां भी सलामत रहण। जदों उत्थे एक मजदूर सीगा ते एक मजदूर ना लंगर खा रहा सीगा ते लंगर खाते खाते उहदे मूँह च निकल सीगा वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। जदों साडे घरों दुख जांदा जो साढ़े को पैसा आता आम इंसान की फितरत साढ़े घरों गुरु निकल जाता, असी ऐशो आराम मजराटियां दे होर चीज़ों के रुल जाने है ना। इत्थे आके एक सेवा करदे तो एहसास होता कि एक ही जगह ते जाना जिन्ना मर्जी जोड़ लो। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਯੂ نو ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੇਮਿਜ਼ਮ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਡਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 7 ਫੇਸ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਫੜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ। ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂ نو ਆਪਾਂ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਵੀਰਾ। ਬਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਐਂਡ ਕਰਤਾਰ ਬਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂ نو ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਭਲੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਪ ਸਵਾਰੂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਜ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ घर के दीपमाला रात भी की तो हुण भी करांगे, तो जो भी माड़ा मोटा पटाकियां दा जो भी साडा दा मतलब ऐ ला लो कि सब तो वड्डा त्यार गुरपुरब है जिन्हों असीं टीकदे हां। ते गुरुद्वारे आ के सेवा करना, लंगर की सेवा करना, ये तुहानूं मत नूं नीवा रखदा। सिंघां दा कहिंदे आ मन नीवा ते मत उच्ची, ओह मतलब जब तुसीं लंगर की सेवा करदे हो लंगर वरताउने हो सारियां संगतां 'च लाइन 'च ला के मत्था टेकदे हो तो तुहानूं एक अहसास हुंदा कि जिथे इन्हां ने जाना उत्थे असीं जाना, ठीक है। असी आर्टिस्टां चार बंदे सानूं जाणदे ने, कोई संत समागम है ठीक है, वो संत ने जां जो आम जनता हैगी जो इत्थे आके रहिंदे भी है, जिवें सारियां आत्मावां एक ने, इत्थे आके एक सेवा करदे तां एहसास हुंदा कि एक ही जगह ते जाना जिन्ना मर्जी जोड़ लो ठीक है। तुरदे आ पिछे बैंकों के आप लगता कि साढ़े को करोड़ों रुपया हैगा, टौर नाल अगे बैंक 'च ही प्यार आ जाता। हज़ारों करोड़ों रुपया कमाने वाले बंदे मतलब लंगर का प्रशादा नहीं खा सकते, ठीक है, टाइम नहीं होंदा उन्हां कोल, ठीक है। तो मैं दसदा कि मेरे नाल अज जो भी इत्थे होया, मैं लंगर की सेवा करता सी, मैनूं एसीडिटी हुंदी कई बार, तो एसीडिटी होने नाल चाह नाल सब तो वध हुंदी है, हाँ ठीक है। तो मैं लंगर साहब की चाह पीन लग्या सी गुरुद्वारा साहब, तो चाह पीने में लग्या एसीडिटी ज़्यादा ना हो जाए, पर मैं यकीन दसी साहिल मानी मेरी चाह के नाल एसीडिटी अज ठीक हुई है। मतलब लोग इनो पींदे आ, कुछ होर पींदे आ, कई बार मैं साफ सुथरा खाना, कई बार ना कई बार तलियां चीज़ां खा लैंदियां। तो महाराज की इन्नी मेहर आ कि मैं गुरुद्वारा साहब के लंगर की चाह पी के अज मेरी एसीडिटी ठीक हुई है, जो सवेर का ढिड दे विच जलन हो रही सी। वाह, मैनूं नाले करतारे मैं ना एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि जिवें तुसीं गल कही ना पिछे, मैनूं एक गल बड़ी सोहनी लगी, कहंदे भावें तुसीं कलाकार हो भावें तुसीं इंसान हो, जाणिया जाणा सारिआं नहीं उत्ते आ, भावें तुहाडे कोल रज के पैसा आ, भावें तुसीं कुछ जो मर्जी हो, आम हो गरीब हो, तुहाडे कोल पैसा नहीं हैगा, कुछ भी नहीं हैगा, तुहाडे कोल बहुता अमीर है, बहुता तुसीं रजवाड़े हो, जाणा सारिआं ने इक्को थां ते। इह गल सुण के मैनूं बहुत चंगा लगे कि एक्चुअल च कि एक कलाकार वल्लों ये चीज़ कही जा रही आ, क्योंकि ना कई बार इदां लगदा करतार भाई अजकल दे जो जमाना चल रहा है ना, आर्टिस्ट नूं ना किते तुसीं एवें समझदे हो कि चल ठीक है यार भी अगला अपनी ऐश परस्ती च रहिंदा होगा या कुछ होगा, है ना, नहीं चलो, क्योंकि कई लोग चलो करते भी होणगे, दिखाउंदे नहीं होणगे, पर अज तुसीं भी नहीं दिखाया, असीं तुहानूं देख लिया करदे होए, तां जरूर ये माइंड सैट नूं करके मैं गुरुद्वारा साहिब तो दूर लेके आया। मैं कहा उत्थे नहीं आपां इंटरव्यू करने भी तुसीं करना, क्योंकि तुसीं हमेशा साडा साथ दिंदे हो, है ना, हर काम दे विच जां। तो मैं कहा आपां पार्क दे विच साइड ते जाएगा। मैनूं ऐसा लगता कि तुसीं जो अज सेवा कीती है, जो तुसीं अगे दरबार साहिब मत्था भी टेकिया ना, ये मेरे ख्याल तो किन्ने लोकां नूं ना ये चीज़ दिमाग च ऑलरेडी होर आउंदी आ कि यार भी ये भी लोग हैगे ने जिन्हां कोल बहुत कुछ है, चलो मालक दा दित्ता है ना सारा कुछ है, पर करनी चाहिदी है, ठीक है। साडे दिमाग नूं अकल नूं टिकाणे रखदी है, शांत रखदी है। रोज़ स्नैपचैटा पाउण नाल गुरुद्वारे दीयां जां फिर उत्थे सेवा करदियां दी फोटोआं पाउण नाल सेवा नहीं हुंदी हैगी, है ना। तो ये बिना तो ना मेरा सवेरे काम शुरू होंदा है, तो ना ही मेरी रात पैंदी है। ये मानते हो कि रब की बहुत मेहर आज दे टाइम की होर की चाहिए मन, ठीक है। अजकल किसी मुख मेहमान बुला लीए, अगला करोड़ रुपया दे जाता कि मेरा बोर्डों के नाम लिख दो, ठीक है। साडा लोगों ने दिलों से लिखा, तो जेड़े चंगा समझ उन्होंने दिलों से भी, जेड़े माड़ा समझते हैं उन्होंने तो असीं होर नेड़े आ, वो तो साढ़े बारे सोचते हैं जेड़े सानूं माड़ा समझते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने दिलों से आम लिखा होया, तो ये उस सतगुरु की वाहगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की मेहर आ कि जदों संगत च खड़े होइए कोई मोढ़ा मार के लंघदा ना, उदा एहसास होंदा भी बाबे नानक दा ही पुत्त आ, ये कोई छोटा नहीं हैगा जां वड्डा नहीं हैगा, असीं कलाकार जरूर होवांगे। जे संगत जोगे गुरु सिखा के ओए सिट को थले करो, तो पता लगदा भी असीं भी उत्थे ही आ, कलाकार भावें लख बन गया, नानक पातशाह दे दर ते आ के ओहदी जो जुत्ती भी ते किरपा साडे लई सारे दे बराबर ही आ। एक चीज़ होंदी ने कि असीं मंगदे जरूर हाँ, जो मंगदे वो दस्सिया नहीं जांदा, पर एक्चुअल च मैं जरूर चाहूँगा कि करतार भाई ने अज थोड़ा बहुता दिल दी मैं चाहूँगा कि जरूर दसो कि एक्चुअल च किहड़ी चीज़ तुसीं रब कोलों अक्सर मंगदे हो, ते अज किहड़ी चीज़ मंगी है। मैं रब कोलों ये मंगदा वां, मैं होर नहीं कुछ, मैं वो तो बिना बोलिया सब कुछ जानदा यार, जे मंगण आवांगे तां है ना, ते वो फिर कोई तुक भी नहीं बनदा, पर मंगते भी हाँ, ठीक है। मैं मेरी माता ने एक गल कहना हुंदा मम्मी डैडी नूं कि मैं ना तुहानूं जींदे जी खवाउणा, तुसीं जो खाना ऐश करना, जो तुहाड़ियां लोड़ां ने मैनूं दस्सो सही, ठीक है। मैं मरियां ते फुल्लां दियां चादरां नहीं भी हाँ लोकां दे लोक विखावे लवो, जो तुसीं मैनूं छड्ड के जाओगे मैनूं दुख तां हुंदा, अंदरों भी जाणगे छड्ड के इक दिन जाणगे, उधरों उदों चादरां नहीं पाउणियां महंगियां हुण कर लैणीआं, ते मंगदे आ भी जदों जाण तंदुरुस्ती उन्हां दी जां होर है, मतलब अगे असीं भी उन्हां दी स्टेज ते आउणा कि साडे बच्चे भी सानूं उवें ही रखण, है ना। तो मैं तो उन्होंने भी कहना भी जे गुरुद्वारा साहब आउंदे हो सेवा करदे हो तो माँ प्यो की सुख मंगिया करो, क्योंकि अज जे एडा हो गया मैं, तो मैनूं पता उन्होंने कितनी सुख मंग मंग के इत्थे लैके आता। नहीं भाई मैनूं ऐसा लगता कि तुसी मेरे ख्याल तो करतार भाई इमोशनल हो गया, पर असीं इमोशनल नहीं करन आए सीगे, पर मेरे ख्याल तो अज दा दिन ही यार ऐसा कि गुरपुरब है ना, मैनूं ऐसा लगता कि रब कोलों तुसीं रोज़ कुछ ना कुछ मंगो, तुसीं रोज़ ना कुछ बस पर उन्हों का नित नेम भी करो जरूर, वो भी तुसीं करते होंगे, पर मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि हर एक इंसान हर चीज़ नहीं दस सकता कि वो चीज़ अंदर खाते की चीज़ करता, हर चीज़ कैमरे वास्ते नहीं होंगी, पर जरूर ये चीज़ तुसीं जिहड़ी लास्ट विच गल कही ना कि माता के सुख वास्ते, मेरे ख्याल तो ये बहुत वड्डी चीज़ है कि अपने माँ प्यो तो भी मंगदी है, वो तो अज भी गुरपुरब ते पिंड मत्था टेकण गई हो, उन्हें मेरी सुख मंगी हो, ठीक है, उन्हें किहदी मंगनी है, उन्हें अज भी अपने बच्चों की मंगी होगी, उन्हें अज भी बच्चों की मंगी होगी। तो जो अज तक जिहड़े माँ प्यो नूं चंगा नहीं समझते जां बिरध आश्रम च उन्हां दे रुलदे आ, वो उन्हां दीआं मावां बिरध आश्रम च रह के भी उन्हें सुखा मंगदियां, कुछ होर नहीं मंगदियां भी सलामत रहण। जदों मालक मैनू ऐसा लगता कि नहीं, मैं होर ज़रूर इस चीज़ पर होर नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि मामला थोड़ा इमोशनल हो जाना है। पर एक कॉन्वर्जेसन, ये प्यार, ये अज का दिन वाकई च ही बहुत स्पैशल है हर एक इंसान वास्ते, जिहड़ा इस चीज़ नूं मानदा है, जिहड़ा गुरपुरब नूं मनाउंदा है, जिहड़ा किसी होर धर्म नूं भी मानदा हैगा, कुछ भी करदा हैगा। पर मेरे ख्याल तो ऐसा लगता करतार भी एक चीज़ होर मैं शेयर करनी चाहूँगा। अज सवेरे मैं ना सुहाणा साहब गुरुद्वारे गया, उत्थे एक मजदूर सीगा ते एक मजदूर ना लंगर खा रहा सीगा ते लंगर खाते खाते उहदे मूँह च निकल सीगा वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। तो मतलब मैनूं ये चीज़ बहुत वड्डे लैवल की लगी कि यार गुरु दी बाणी, गुरु दा नाम, मेरे ख्याल तो एक कहते हैं ना कि सिख या कोई भी पंजाबी बंदा है ना वो जप सकता, पर अज एक मजदूर भी जप रहा सीगा। ये मेरे ख्याल तो दिंदा मजदूर नूं भी दिंदा, वो तो ऐ ला लो कि मोदी तो लैके मजदूर तक सब नूं दिंदा, उहदे लई कोई वखरा नहीं है। ठीक है, जदों साडे घरों दुख जांदा जां साडे कोल पैसा आउंदा, आम इंसान दी फितरत साडे घरों गुरु निकल जांदा। असी ऐशो आराम मजराटियां दे विच होरां चीज़ां दे विच रुल जाने उन्हां ओह है ना। तो बट तो मैं तो कहना भी जरा थोड़ा जिहा दुख मंगो ताकि वाहिगुरू उहदा नां तुहाडे घर च रह सके, ये डरदे ही मंगदे आ सारे, है ना। तो जदों साडे कोल इन्ना कुछ आउंदा, उन्हां दी गत्थियां बैंकां च चिणदे आ, है ना। ठीक है, चलो आपां जिन्ना कमाउने आ खा जाने, रब इन्ना ही देई जावे, बहुत है ना, घरां दी किश्तां निकली जांदियां ने, होर की लैणा है ना। ओह बाबे नानक की संगत है, ऑडियंस है, उन्होंने पता नहीं कदों उत्ते जाके लै जाना, कदों थले सिट देना उन्होंने। बट जे दुख वेले याद रखते हैं तो सुख वेले भी रखा करो। अज बहुत लोग ने जिन्होंने मैं जानता जिहड़े कहते यार अज गुरपुरब पर टाइम नहीं, अज मीटिंग है मेरी, मैं जाना बहुत दूर है दिल्ली, तो मेरे तो आया नहीं जाना, राह कितने होना नहीं, की फायदा मीटिंग का, की पूरी हो जाएगी, मैनू तो नहीं लगता हो जाएगी। पर वो इन्ना माड़ा भी नहीं है कि अपने बच्चों कितने काम गए उन्होंने का काम भी ना होने देवे। पर साडा फर्ज की है, जिस दिन उहदा दिहाड़ा है, जिस दिन उन्होंने साडी लगता कि अज मेरे पुत्त मेरी जिणस मेरे दर ते आवे, तो मैं पता लगे कौन कौन है, उस दिन तो सानूं जाना ही चाहिए।